मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक पिछले कई सालों से पदोन्नति और पे ग्रेड सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी वाजिब मांगे अभी तक पूरी नहीं की हैं, जिसके चलते चिकित्सक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। डॉक्टरों ने उज्जैन में कल काली पट्टी बांधकर काम किया, वहीं आज 2 घंटे काम बंद कर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। नाराज जो चिकित्सकों का कहना है कि अगर हमारी मांगे कल तक पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के शासकीय चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर महेश मरबट ने बताया कि इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ही भले भरे जाएं, ऐसी और बॉन्डेड डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनकी मांगों के संबंध में भी ये सब मांगे हमने अपने महासंघ के माध्यम से रखी थी सरकार के सामने। सरकार ने शुरुआत में सारी मांगों को मानने का वादा किया था और उसके बाद में हमारी जो शुरू की सांकेतिक हड़ताल थी वो कॉल ऑफ हुई थी। उसके बाद में 2 मीटिंगों के दौर चले मध्य प्रदेश सरकार के साथ में। तो प्रथम मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः यही दोहराया था कि हम समस्त मांगे मानेंगे। द्वितीय मीटिंग में सरकार अपनी वादा खिलाफी बताते हुए किए गए वादों से मुकर गई। सरकार ने यह कहा कि हम चिकित्सक जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उनकी मांगे तो मानते हैं, लेकिन जो एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनकी मांगे पूरी करना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे आप क्या करेंगे? आज से महासंघ द्वारा उसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से लेके एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और समस्त डॉक्टर शामिल है, ये अनिश्चित एनएचएम बॉन्डेड वगैरह सब चिकित्सक हैं, तो इसमें 3 मई से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और हम कोई भी चिकित्सक नहीं देखेंगे। इसमें इमरजेंसी भी नहीं चलाई जाएगी हमारे द्वारा, ये हमने मध्य प्रदेश सरकार को शासन का अवगत करा दिया है।